नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 17 अक्टूबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवाली और छठ में घर आने वालों की होगी कोरोना जांच। बिहार के कई जिलों में आज और कल बारिश के आसार। प्रकाश झा की हाईवे नाइट्स बनी इंडिया की बेस्ट शॉर्ट फिल्म। इंटर में अब 22 अक्टूबर तक होगा स्पॉट नामांकन। बिहार में गंगा आरती से नई पीढ़ी को मिल रही है प्रेरणा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के 2000 पदों पर निकली भर्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रेलवे में जॉब का शानदार मौका है। पूर्व मध्य रेलवे पटना ने विभिन्न डिवीजन और यूनिट में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 2000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 नवम्बर 2021 तक आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर को ही शुरू हो गयी थी। बिहार के वैशाली जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। वैशाली ने अंतिम जैन तीर्थ कर भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की। ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म और पालन पोषण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। अवशेष स्तूप का गौशाला बिहार राज्याभिषेक टैंक विश्व शांति शिवालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय बावन पोखर मंदिर कुंडलपुर राजा विशाल का गढ़ चौमुखी महादेव यहां के प्रमुख आकर्षण है। इसलिए अगर आप जब भी वैशाली जाए इन जगहों का भ्रमण जरूर करें। बिहार के कई जिलों में आज और कल बारिश के आसार। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है जिसके तहत हल्की बारिश के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम और अन्य मौसमी प्रभावों के कारण दक्षिण बिहार के बक्सर भोजपुर रोहतास भबुआ औरंगाबाद अरवल पटना गया नालंदा शेखपुरा नवादा बेगूसराय लखीसराय जहानाबाद भागलपुर बांका जमुई मुंगेर और खगड़िया में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है जबकि उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण सिवान सारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर दरभंगा वैशाली शिवहर समस्तीपुर सुपौल अररिया किशनगंज मधेपुरा सहरसा पूर्णिया और कटिहार में मौसम शुष्क रहेगा। इससे इन इलाकों के लोगों को गर्मी से परेशानी हो सकती है। अब परिजनों से कैदी सीधे कर सकेंगे जेल में मुलाकात। बिहार के जेल में बंद कैदी अब सीधे तौर पर अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही यह फैसला लिया गया है जिसके तहत बिहार के जेलों में 20 महीने के बाद बंद कैदी और उनके परिजनों की अब सीधी मुलाकात होने वाली है जिसको लेकर जेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन ने बिहार के सभी जेलों के अधीक्षक को तैयार रहने को कहा है जिसके बाद अब सिर्फ जेल प्रशासन के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 2-4 दिनों के अंदर ही इस व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाएगी। के सभी जिलों में बंद लगभग 90% कैदियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है। दिवाली और छठ में घर आने वालों की होगी कोरोना जांच। दुर्गा पूजा के समापन के साथ ही अब दिवाली और छठ की तैयारियां शुरू हो गई है। यही कारण है कि बीते दिन दूसरे प्रदेशों से बिहार आने वालों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सीएम नीतीश ने की थी। आयोजित बैठक में सीएम नीतीश ने सभी अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश जारी किया है और दिवाली और लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर बिहार आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाए। साथ ही जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाए। वहीं बीते दिन आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों को लेकर विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी भी दी। कांग्रेस ने उपचुनाव को बताया चुनौती। बिहार में इन दिनों बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है और सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस बीच महागठबंधन में छिड़ी रार के बीच ही कांग्रेस इस चुनाव को बेहद ही अहम मान रही है। इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि पार्टी में बहुत से प्रतिभावान लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। स्टार प्रचारक 20 लोग ही होते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो बाहर के हैं जिन्हें स्टार प्रचारक नहीं बना पाए हैं, उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी हर नेता और कार्यकर्ता को चुनाव से जोड़ना चाहती है जिससे पार्टी को ही फायदा हो। कांग्रेस में जाति देखकर कुछ नहीं किया जाता। उपचुनाव कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। इस चुनाव के परिणाम हमारे भविष्य की राजनीति को दिशा देंगे। पिछले चुनाव हम गठबंधन के साथ में हमने यहां पे लड़ा था।
त्योहारों में पटना एयरपोर्ट पर बढ़ रही है यात्रियों की भीड़, प्रशासन अलर्ट। बिहार में कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन आने वाले त्योहार प्रशासन के लिए चिंता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य अभी भी हैं जहां कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को नहीं मिली है। ऐसे में त्योहार का सिलसिला शुरू होने के साथ ही एयरपोर्ट से अभी भी 52 जोड़ी विमानों का परिचालन देश के विभिन्न शहरों के लिए किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। त्योहारों में बिहार आने वाले सभी यात्रियों का टीकाकरण सर्टिफिकेट देखा जा रहा है, साथ ही जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता उन्हें कोरोना जांच से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी एयरपोर्ट के अंदर अपनी टीम को मौजूद कर दिया है। कुछ दिन पहले ही नकली आरटीपीसीआर लेकर यात्री अन्य शहर का सफर कर रहे थे, लेकिन अब आरटीपीसीआर की भी गहन जाँच की जाती है। बिहार में गंगा आरती से नई पीढ़ी को मिल रही है प्रेरणा। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होने वाली गंगा आरती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि आरती के जरिए नई पीढ़ी में नदियों के प्रति सम्मान भी अब बढ़ने लगा है। हमारी संस्कृति में वैसे भी नदियों को मां के समान मानकर पूजा की जाती है। वर्तमान समय में राज्य में पटना, बक्सर और बेगूसराय सहित कई शहरों में वृहद पैमाने पर गंगा आरती आयोजित की जाती है। बिहार की सरकार भी इस आयोजन में मददगार साबित हो रही है। फिलहाल सबसे भव्य आरती पटना में आयोजित की जाती है, क्योंकि यहां आरती पर्यटन निगम की तरफ से होती है। BPSC 66 के रिजल्ट को लेकर आई अहम जानकारी। BPSC 66 के रिजल्ट को लेकर अहम जानकारी बीते दिन निकल करके सामने आई है, जिसके तहत सब कुछ सही रहा तो 66वीं BPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम दिसंबर के अंत या जनवरी 2022 तक आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि BPSC की तरफ से मुख्य परीक्षा का आयोजन बीते 29 जुलाई से 31 जुलाई तक राजधानी के विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा के परिणाम आने के बाद एक दर्जन से अधिक विभागों में 691 अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग की तरफ से 66वीं मुख्य परीक्षा के परिणाम लेकर कवायद की जा रही है। इंटर में अब 22 अक्टूबर तक होगा स्पॉट नामांकन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में स्पॉट नामांकन को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत इंटर में अब 22 अक्टूबर तक स्पॉट नामांकन की सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। इस अवधि में नामांकित विद्यार्थियों का कॉलेज द्वारा पोर्टल पर नामांकन अपडेट किया जाएगा। स्पॉट नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थी जिस संस्थान के जिस संकाय में सीट रिक्त है उस पर नामांकन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे और संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन दे सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले नामांकन की तारीख 10 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेज में निर्धारित की गई थी। तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी को दिया बड़ा झटका। बीते दिन तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपने भाई तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत उपचुनाव में तेज प्रताप ने राजद के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को भी समर्थन देने का फैसला लिया है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव के छात्र जनशक्ति परिषद ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें छात्र जनशक्ति परिषद द्वारा कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार और तारापुर सीट पर राजद प्रत्याशी अरुण कुमार को समर्थन करने की बात कही गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधानसभा उपचुनाव के तहत 2 सीटों पर उपचुनाव का आयोजन 30 अक्टूबर को होने वाला है और इस उपचुनाव में कांग्रेस और राजद दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जिसके बाद तेज प्रताप के इस बयान से राजद में हड़कंप मच गया है। आज 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पंचायतों में घूमेंगे तेजस्वी। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, जहां एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए 2 युवा चेहरे जल्द ही प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले हैं, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज से पंचायतों में घूमते नजर आएंगे। इसको लेकर तेजस्वी कल ही तारापुर पहुंच गए थे, जिसके बाद 4 दिन तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। राजद की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 16, 17, 18 और 19 अक्टूबर तक वो तारापुर में रहकर नुक्कड़ सभा, चुनावी सभा और पंचायतों का दौरा कर राजद उम्मीदवार अरुण शाह के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान तेजस्वी अगले 4 दिनों तक अलग अलग प्रखंडों में रात बिताएंगे और कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाएंगे। आपको बता दें कि राजद जमीनी स्तर पर काम करना चाह रही है, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता तारापुर विधानसभा में 3 रात और 4 दिन रुकने वाले हैं। कुशवाहा ने लालू के आने जाने से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने की कही बात। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव के आगमन को लेकर बिहार में जारी तैयारियों पर अपनी टिप्पणी की है, साथ ही इसे नौटंकी का नाम भी दिया है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजद 6 या 9 टन का लालटेन लगा ले, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, इनके और इनके लालटेन राज को देख चुकी है। सबसे पहले वो लोग बिजली का उपयोग करना बंद कर दे, फिर अपने घरों में लालटेन जलाना शुरू कर दे। नीतीश कुमार सरकार ने सभी को बिजली उपलब्ध करवाई है, ऐसे में राजद वाले लालटेन युग में ही रहना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से कौन रोक सकता है। इसके साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राजद या कांग्रेस कोई भी अपने उम्मीदवार उतारे, जीतना तो जदयू को ही है।
भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के परिवार से मिलने पहुंची अश्विनी कुमार चौबे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वीरेंद्र पासवान के श्राद्ध कर्म में शामिल होने उनके गांव वादे सैदपुर बीते दिन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित स्वजनों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें संतावना भी दिया। इस दौरान उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार और भारत के लोग आतंकवादियों को कभी माफ नहीं करने वाले हैं। बक्सर से भाजपा सांसद चौबे ने कहा कि वीरेंद्र पासवान के श्राद्ध कर्म में शामिल हुआ हो, उनके स्वजनों पत्नी और बच्चों से मिला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार और जम्मू सरकार मदद के लिए हर एक कदम उठा रही है। उपचुनाव से ठीक पहले राजद को लगा झटका। बीते दिन बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम परवेज ने राजद को छोड़ने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद अब वो जदयू का दामन थामने वाले हैं। राजद के पूर्व एमएलसी सलीम परवेज आज यानी कि 17 अक्टूबर को जदयू ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि सलीम परवेज राजद में बड़ा मुस्लिम चेहरा थे, ऐसे में उपचुनाव से ऐन वक्त पर पार्टी छोड़ने से राजद को काफी नुकसान हो सकता है। ज्ञात हो सलीम परवेज ने शहाबुद्दीन और उनके परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी थी। बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की उठाई मांग। बीते दिन कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद बिहार की राजनीति से भी आवाज उठने लगे हैं, जिसके तहत ही बिहार कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठाई जाने लगी है। इसको लेकर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि बिहार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की बात। शारदा सिन्हा ने खास अंदाज में वोटरों से की मतदान करने की अपील। बिहार पंचायत चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशहूर लोक गायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा ने एक खास गीत गाया है। इस गीत के माध्यम से ही वो मतदाताओं से पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर वोट देने की अपील कर रही है। साथ ही इस बार पंचायत चुनाव में क्या कुछ अलग हो रहा है उसकी जानकारी भी उन्होंने गीत के माध्यम से देने की कोशिश की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वर को किला शारदा सिन्हा के साथ एक खास वीडियो तैयार किया है, जिसे आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। आयोग को उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा लोगों तक शारदा सिन्हा की ये अपील पहुंचेगी। लालू की बेटी ने अजय आलोक को दिया जवाब। भले ही दशहरा खत्म हो गई हो, लेकिन तमाम जगहों पर रावण दहन का काम भी हो गया है, मगर इसके बावजूद रावण की चर्चा बिहार की राजनीति में लगातार हो रही है। हाल ही में अजय आलोक ने तेजस्वी की तुलना रावण के बेटे से की थी, जिस पर रोहिणी आचार्य ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और ट्वीट जारी करते हुए कहा कि दो कौड़ी के दलाल कोरोना काल में लाल घूंघट में मुंह छुपाकर बैठा था, बालिका गृह कांड में शामिल लोगों के तेल मालिश करने में जो लगा था। आपको बता दें कि विजयादशमी के दिन अजय आलोक ने तेजस्वी की तुलना रावण के बेटे यानी कि बातों ही बातों में उन्होंने लालू को रावण कहा था, जिसके बाद ही विवाद शुरू हो गया था। महागठबंधन को एकजुट करने की कवायद में जुटे पप्पू यादव। इन दिनों बिहार विधानसभा उपचुनाव की दो सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन दो धड़ों में बंट गई है। इसी बीच अब महागठबंधन में आई दीवार को पाटने में पप्पू यादव जुटते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि सरायगढ़ स्थित निर्वर्तमान प्रमुख विजय कुमार यादव के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले डेढ़ महीने के अंदर देश भर में बिजली का घोर संकट होने वाला है। केंद्र सरकार के मंत्री ने कोयले को बेच दिया है, यदि बिजली संकट हुआ तो लोग कैसे रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ रहा है, सभी लोग मिलकर इसको रोकने का काम करें। पूर्व के साथ विजय कुमार यादव सहित कई अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। प्रकाश झा की हाईवे नाइट्स बनी इंडिया की बेस्ट शॉर्ट फिल्म। बिहार से निकले निर्देशक प्रकाश झा की शॉर्ट फिल्म हाईवे नाइट्स ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है, जिसके बाद फिल्म के लिए ऑस्कर 2023 का रास्ता साफ हो गया है। इस अवसर पर बात करते हुए प्रकाश ने कहा कि मैं ये खबर सुनकर उत्साहित हूं और मेरी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश वाली फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि फिल्म पूरे देश में थिएटर, डिजिटल और टेलीविजन प्रसारण के साथ दुनिया के व्यापक दर्शकों तक पहुंचेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाईवे नाइट से एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की बात करती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता बंदरगाह को 1870 में एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने 2009 में पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म 1955 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अनिल कुंबले का जन्म 1970 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदू धार्मिक नेता थे, जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग से व्यावहारिक वेदांत को पढ़ाने के लिए विख्यात। स्वामी रामतीर्थ का निधन 1906 में आज ही के दिन हुआ था।
आईपीएल 2021 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप 10 गेंदबाजों में इन खिलाड़ियों ने मारी बाजी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार रात कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चौथी बार ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाया है। वहीं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल इस सीजन के टॉप विकेट टेकर गेंदबाज बनकर उभरे। हर्षल ने 15 मैच में 32 विकेट चटकाए। उन्होंने सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैट्रिक भी ली थी। इसके अलावा टॉप 10 की लिस्ट में आवेश खान, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रशीद खान, यजुवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, सुनील नारायण का नाम भी शामिल है। मोबाइल में गूगल सर्च करने का बदलेगा एक्सपीरियंस। दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग की शुरुआत की घोषणा की है। गूगल ने कहा है कि वो मोबाइल उपकरणों पर कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग की शुरुआत के साथ ब्राउजिंग सर्च रिजल्ट को ज्यादा सहज बना रही है। गूगल ने बताया है कि ये सर्च एक्सपीरियंस अभी फिलहाल अमेरिका में मोबाइल यूजर को अंग्रेजी में किए सर्च के लिए मिलेगा। गूगल के इस नए अपडेट के बाद सर्च इंजन खुद से सर्च रिजल्ट के आखिरी परिणाम के बाद अगला पेज लोड कर देगा, जिससे कि आप तब तक स्क्रोल कर सके जब तक कि आपको अपने पसंद का रिजल्ट वेबसाइट नहीं मिल जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,490 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,710 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,600 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.89 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 99.53 रुपए प्रति लीटर था। कटिहार के खिलाड़ियों को डिप्टी सीएम ने किया सम्मानित। बीते दिन राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले कटिहार के खिलाड़ियों को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सम्मानित किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने जीत कराए सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी किया और कहा कि सरकार खेल विश्वविद्यालयों का स्थापना कर खेल को प्रोत्साहित कर रही है। आने वाले दिनों में इन खेलों और खिलाड़ियों के दम पर बिहार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान का परचम लहराएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कटिहार के चारों बॉक्सर हाल ही के दिनों में राज्य स्तर पर आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में मेडल जीतकर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अरुण प्रसाद, ज्ञान सटल, अनिल कुमार, कुलवंत सिंह, मनीष मोहरा, महेश कुमार सिंह, आतिक खान, सुरेंद्र सिंह, विजय घायल, अर्शद अंसारी, अप्पू सिंह, अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, प्रिंस कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष की कमान राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।